वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने अक्सर सुना होगा कि एक और एक 11 होते हैं और जब सब साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत से बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं। हमारे जो अभी के हीरोज हैं ये बेनाई से महरूम हैं, लेकिन एक टीम की शक्ल में सब साथ काम कर रहे हैं और एक ऑनलाइन रेडियो चला रहे हैं। बाकी डिटेल्स उनसे जाके पूछते हैं। जी व्यूअर्स, इस टाइम हमारे साथ हमारे हीरोज मौजूद हैं और आज के जो हमारे हीरो हैं वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत से हीरोज हैं। मुझे बताएं कि आप एक रेडियो चैनल चला रहे हैं। जी जी। ये कैसे आपके जहन में आया आइडिया कि आपको ये रेडियो पे, वो भी चैनल चलाना है रेडियो का? एक्चुअली हम लोग क्योंकि मोस्टली जो सेंस ऑफ हियरिंग होती है हमारी, उस पर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं जी। और सुनने का, म्यूज़िक का, रेडियो का, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपके साथ बचपन से जुड़ी होती है। तो हम भी जब छोटे थे, स्कूल लाइफ में थे, रेडियो सुनते थे, एफएम चैनल्स सुनते थे और उनको कॉपी करने की कोशिश करते थे आरजेस को। तो जब कॉलेज लाइफ में आए तो इस तरह कुछ रेडियो के साथ मुंसलिक होकर शोज़ भी किए। फिर सोचा मिलके दोस्त अपनी एक एक्टिविटी बनाते हैं। तो 19 मई 2010 को दो तीन दोस्तों ने, हमने मिलके सोचा कि इसे ऑनलाइन एक्टिविटी को शुरू किया जाए। ये रेडियो चैनल तो एज ए फन एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो एक छोटा सा गुलदस्ता जो हमने लगाया था ये गुलशन में तब्दील होता गया और एक के बाद दूसरा आरजे हमें न सिर्फ पाकिस्तान के दीगर शहरों से बल्कि दुनिया भर के मुल्कों से भी ज्वाइन करता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अब टीम है वो 25-30 आरजेस हमारे साथ माशाल्लाह, मतलब पूरे पाकिस्तान से आपके पास 25-30 लोग हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सलमान, मुझे ये बताएं कि जब ऑनलाइन रेडियो चलाते हैं इसका क्या मतलब प्रोसेस है चलाने का, किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? असल में एक ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम ट्रेंड हैं और जो न्यू कमर्स होते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। और क्योंकि ये वेबसाइट बेस्ड रेडियो है तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और अब हर बंदा जो भी इसकी ट्रेनिंग लेता है वो अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे किसी भी जगह बैठा हुआ शोज कंडक्ट कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि आप किसी कॉलेज में लेक्चरर भी हैं? जी, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही एमए इंग्लिश लिटरेचर किया है। अच्छा। और पिछले 3-4 सालों से मैं वहाँ पे एज एन इंचार्ज ऑफ सेंटर फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। अच्छा, ये जितने लड़के हैं ये तो मैनेज कर लेते हैं अपना काम, लेकिन आपको एक लड़की होने के साथ साथ कितनी मुश्किलात सामने आती हैं? मेरा ख्याल है लड़कियाँ जो होती हैं वो मल्टी टास्किंग होती हैं, उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है। नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम आई बीच में आपको? नहीं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बचपन से लेके अब तक आपको कभी ये फील हुआ कि अब काश के मेरे पास ये रोशनी होती या आँखें होती तो मैं कुछ और ही कर सकती? मेरा ख्याल है हम उन बहुत से लोगों से बेहतर हैं जिन्हें नज़र आता है फिर भी कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा जैसे आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं? आई एम डूइंग माय बीए एलएलबी ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। अच्छा, तो ये जो ऑनलाइन रेडियो चैनल है इसका फीडबैक कैसा मिलता है आपको? फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव है, इनकरेज भी करते हैं लोग। अच्छा, ये बताओ मुझे यूसुफ, लड़कियाँ कॉल करती हैं मतलब कहती हैं आवाज़ बड़ी अच्छी है अभी आपकी तो यूसुफ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब इवन इफ दे कॉल, बहन बैठी है उसके सामने, कोई बात नहीं, बोल दो, कोई बात नहीं, बोल दो। नहीं, इवन इफ दे कॉल इट डजंट मैटर, मेल हो या फीमेल हो, हम तो इक्वली ट्रीट करते हैं लिसनर जो भी होता है। कवर कर लिया यहाँ पे यूसुफ ने, बहुत तेज है यूसुफ। जैसे मान आपको बहुत से लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कोई एक ऐसा मैसेज उनको आप देना चाहते हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में लेकिन शायद अपनी जिस्मानी मजदूरी की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे? सबसे बड़ी जो आपकी लिमिटेशन है या मजदूरी है वो है हिम्मत और हौसले का ना होना। अगर आपके अंदर वो चीज़ है, इतना वो बूस्टिंग स्पिरिट है कि आप अपने आप को मॉरली उठा के रख सकते हैं तो देन नो मैटर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। बहुत खूबसूरत बात है और व्यूअर्स, मैं इस चीज़ को मैं कमी नहीं कहूँगी, मैं इन सबका टैलेंट कहूँगी माशाल्लाह, जो इनकी वजह से शायद बहुत से लोग हैं जो घरों में बैठे थे कुछ करना चाह रहे थे और इनको देख के वो काम कर भी रहे हैं। और अभी तो ये हमारे तीन हीरोज हमारे साथ मौजूद हैं लेकिन कुछ हीरोज और भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं, तो आइए उनसे बात करें। अच्छा अब्दुल रहमान, आप मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको ऑनलाइन रेडियो ज्वाइन किए हुए? अराउंड अबाउट 1 साल हो गया है। अच्छा अब्दुल, मुझे ये बताएं कि इसका नाम सबका साथ ही क्यों रखा गया? बेसिकली हम लोग एक यूनिटी का मैसेज देना चाहते थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमने ये नाम रखा था एक सबका साथ। इसके अलावा क्या करते हैं आप?
मैं स्टूडेंट हूँ जी, LLB पार्ट वन का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि जो प्रोग्राम करते हैं आप, आपके साथ कौन देता है इसमें? दो प्रोग्राम करता हूँ जी मैं, एक पोइट्री बेस्ड प्रोग्राम करता हूँ हस्ती आहे के नाम से। अच्छा। और एक हम मैं ये शहजाद राणा शहजाद के साथ हमारा एक कम्बाइंड शो होता है न्यूज़ विद व्यूज़ के नाम से, वो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे हम लोग करते हैं प्रोग्राम। ये पोइट्री का शौक भी आपको? जी बहुत। अब एक जरा शेर अर्ज़ हो जाए। जिन्हें हकीर समझ कर बुझा दिया तुमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। वाह वाह, क्या बात है आपकी। कभी ज़िंदगी में इस बात का एहसास हुआ कि आपकी अगर नज़र होती तो आप उन लोगों को देख सकती हैं जिनको आप देखना चाहती हैं? कभी किसी चीज़ के लिए मैं यूँ नहीं हुई कि मेरी अगर आंखें होती तो मैं ये देखती, क्योंकि आई फील वेरी मच कम्फर्टेबल, आई फील हैप्पी इन माई लाइफ। ज़बरदस्त, तो यही बात होनी चाहिए। और ट्रस्ट मी, मैं आप सब लोगों को बताऊं कि सब लोग इतने खूबसूरत हो और इतने टैलेंटेड हो माशाल्लाह कि इतने आरजेएस के साथ मैं बात कर रही हूँ, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होने लग गई। जी शहजाद, आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं? मैंने डबल MA किया हुआ है, MA स्पेशल एजुकेशन और MA पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मैं MPhil कर रहा हूँ स्पेशल एजुकेशन में। आपको जॉब भी करते हैं गालिबन? हाँ जी, मेरी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है गवर्नमेंट न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा शहजाद, ज़िंदगी में अब तक कोई कमी आपको महसूस हुई अपनी? नहीं, मुझे कमी अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी महसूस नहीं हुई, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने जैसे भी रखा बहुत अच्छे हाल में रखा है, और आई सेट ना होने के बावजूद हमें इतनी सारी एजुकेशन दी, और हम लोग दूसरों के साथ कम्पीट कर रहे हैं एजुकेशन में भी, जॉब में भी, और अब हम रेडियो भी चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी हम लोग फील नहीं करते। बिल्कुल सही बात है व्यूअर्स, ट्रस्ट मी कि इन सब से मिलने के बाद अगर मैं कुछ नहीं भी कर रही थी ना, कोई काम या कोई मेरे में था कि डाउट था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, तो मैं वो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे एटलीस्ट पता तो चले कि वो काम करने के बाद उसमें कामयाबी है या नाकामी। क्योंकि जितने हमारे हीरोज़ हैं वो इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आई सल्यूट टू ऑल ऑफ़ यू। जी व्यूअर्स, हमारे इन हीरोज़ की टीम से मिलने के बाद मैं ये बात बहुत यकीन से कह सकती हूँ कि आपके अंदर कुछ नया करने का जज्बा ज़रूर पैदा हुआ होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मत सोचो कि इसका फ़ायदा नुकसान क्या है, बस कर गुजरो। मैं तो अपने हीरो से मिलवाती रहूँगी, लेकिन अगर आपके आसपास कोई हीरो है तो हमें लिख भेजिए hero@sama.tv पर। इसके अलावा समा की वेबसाइट sama.tv पर ज़रूर विजिट कीजिए। फेसबुक पर हमारा फैन पेज है, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।